बढ़िया। पापा ने ना सबसे पहले हमें जूस दिया और आधा गिलास हो गया, तब दादी को याद आया कि हमने आलू की पकौड़ी भी बना रखी है, तो अब आलू की पकौड़ी आ गई। देखो देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी एकदम अच्छे से हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह का, सुबह के बज रहे हैं लगभग 11। और आज की जो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मायके साइड से कर रही हूँ। तो ये देखो घास लेकर भी आ गए हैं, ये मेरे मायके साइड की मेरी लगती है भुल्ली और शर्मा रही है, अभी घास लेके आ रही है। तो दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही एक नए ब्लॉग की, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज मेरे मायके साइड से। तो मैं बिल्कुल तैयार हो रखी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं अपने मायके, अपनी दादी के पास। तो आज आपको व्लॉग में दादी भी देखने को मिलेगी, पापा भी, और क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। तो फिलहाल अभी जो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वो अपने मायके वाले रास्ते से ही कर रही हूँ। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं और मेरे साथ में ना ऊपर मेरी बहन और मेरी बुआ भी हैं। तो बुआ भी, आपको आज बुआ से भी मिलवाऊँगी। तो अभी ना घर से वीडियो शुरू नहीं करा, सोचा कि आज ना थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लेते हैं अपनी वीडियो की। और डेली क्या होता है घर से ही वीडियो शुरू होती है, तो धारे से ना, धारा आपने देखा ही हुआ कई बार वीडियो में, तो धारे से ऊपर चढ़ाई लग जाती है और चढ़ाई चढ़ के ना हम काफ़ी आ भी चुके हैं। अभी तो हमें ना काफ़ी ऊपर जाना है, तो मेरी बहन और मेरी बुआ ना आगे आगे रास्ता लग गए हैं। और मैंने ना यहाँ पे पन्नी रखी है, इसमें दादी के लिए जूस और बिस्किट वगैरह हैं, फल फ्रूट वगैरह तो मिले नहीं दोस्तों, तो यही लेके हम चल रहे हैं। और भाई चढ़ाई इतनी भयंकर है ना, क्या ही बताएं। और मौसम भी क्या है, आज ना धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है और साथ में आपको ना बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी चिड़ियों की चहकने की, तो आफत आ जाती है सच में से चढ़ाई चढ़ के। और मेरे साथ में ना बच्चे नहीं हैं, यानी कि अक्कू को भी मैं अपने साथ नहीं लाई हूँ, आज भी घर में है अपनी दादी के साथ। और इधर चलते हैं, यहाँ पर ना मेरे ताऊ जी का घर है तो वहीं चलते हैं, क्योंकि मेरी बहन और मेरी बुआ ना यहीं गए हुए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे चलते हैं। और ना फैमिली में जैसे होते हैं ना, एक कुटुंब बोलते हैं हमारा परिवार है, वहीं उन्हीं में से मेरे यहाँ पे ताऊ जी का घर है, तो उनके घर चलते हैं। ये देखो नमस्ते, हाँ ये है दोस्तों ताई जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे माल्टे के पेड़ की छाया में। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं, अभी तो नहीं बेहोल, अभी तो हरा हरा होना है ये तो। और ताई जी कह रहे हैं कि अगर माल्टे खाने हैं तो वही निकाल लोगी है। और यहाँ पे भी ना ये घर नए बने, वाला घर नया बना है और ये तो पहले का ही है, और ये वाला भी नया बना है। क्या भीतर को आ, यहाँ देखो ये बना है किचन, और ये मेरे ताऊ जी हैं। ताऊ जी नमस्ते, नमस्ते। ताऊ जी का तो यहाँ पे चल रहा है समाचार चल रहा है, क्या तुम देख रहे हो लड़ाई लगी, महाजंग देख रहे हैं मेरे ताऊ जी इसराइल में और हमास में, हाँ दोनों जगह लड़ाई लगी हुई है, तो ताऊ जी ने न्यूज़ देखने में लगे हुए हैं। और ये मैंने ताऊ जी का घर दिखा रही हूँ, अभी नया बनाया है। तो दोस्तों अभी ना ताऊ जी भी आ गए हैं बाहर, ताऊ जी ने करो तो हेलो दोस्तों, ये मेरे ताऊ जी हैं और ये मेरी ताई जी हैं। ताऊ जी भी ना अपनी न्यूज़ छोड़ के ना बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों अभी हम ताऊ जी लोगों के घर से आ गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे और उन्होंने बहुत जिद करी, या तो भाई माल्टा खाओ, माल्टा तो कच्चे कच्चे थे अभी तो खट्टे होते हैं, और फिर बोला कि चाय बनाते हैं, तो चाय के लिए भी हमने मना कर दिया क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है और ऊपर से हम लोगों को ना चढ़ाई पर चढ़ना है, तो मना कर दिया और फिर देर भी हो रही है। और अब हम लोग ना फिर से रास्ता लग गए हैं और चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते ना सांस भी ऐसे फूल रही है सच में, और अभी ना काफ़ी अभी जाने के लिए भी, और आगे आगे चल रही है मेरी बहन और ये मेरी बुआ, और हमारे यहाँ बुआ को बोलते हैं हमारी भाषा में फूफू बोलते हैं, तो हम तो बुआ ही बोलते हैं शुरू से। तो अभी मिलाऊंगी आपको अपनी बुआ से भी, और बहन से तो आप मिलते ही रहते हैं, तो मेरी बुआ पहली बार मेरी वीडियो में आएगी। आई मेरी बुआ के पास ना भाड़ा है,
है। हाँ, सबके पास एक एक पन्नी है, एक मेरी बहन के पास, एक मेरे पास, एक मेरी बुआ के पास, सब अपने अपने ना बदले का अपने अपने मायके ले जा रहे हैं। मेरी बुआ भी मायके जा रही है, हम भी मायके जा रहे हैं। चलो और दोस्तों, और यहाँ से जा रहा है एक रास्ता ऊपर के लिए, ये जाता है पूरा हमारे घर के लिए, मतलब मेरे मायके के लिए, और एक रास्ता जा रहा है यहाँ से ऊपर। तो ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये जो अक्कू की बुआ दिल्ली में रहती है ना, उनके ससुराल के लिए जा रहा है यहाँ से रास्ता। तो वो दीदी वीडियो में देख रहे होंगे तो याद कर लेंगे कि मेरे ससुराल का रास्ता, मतलब याद आ जाती है। और ये जा रहा है मंडेरी गाँव के लिए, तो उनके ससुराल का नाम है मंडेरी गाँव, तो यहाँ से जाता है रास्ता। और मेरे मायके के लिए यहाँ से, देखो मेरी बहन और मेरी बुआ ना फटाफट लगे हुए रास्ते, और मुझे तो भाई वीडियो बनाते बनाते जाना है, तो मैं पीछे ही हूँ बस उनसे। और ना कसम से, अगर रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो अपने बचपन ना, मतलब हम जब स्कूल जाते थे, सारी चीज़ें रास्ते, कहाँ कहाँ हम स्कूल से आते थे, जब इतनी दूर से फिर बैठते थे रास्ते में जगह जगह पे, है ना, क्योंकि इतनी चढ़ाई थी, तो याद आ रही है कि हम कैसे बैठे रहते थे, हमारे साथ की हमारी फ्रेंड थी, तो सब लोगों की ना ऐसे याद आ रही है रास्ते चलते चलते। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने मायके वाले रास्ते में, मतलब थोड़ा सा रह गया घर जाने के लिए, और ये रास्ता जा रहा सीधा ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर काफ़ी सारे घर हैं, और हम जाएंगे यहाँ से नीचे। तो इधर से है मेरे मायके का रास्ता, मतलब घर आने ही वाला है। और बुआ मेरी बहन हम लोग बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे अखरोट का पेड़ था, ये वाला ये था ना बाबू, तो बुआ क्या, तो हमने ऐसी बातें कर रहे कि अखरोट का यहाँ पे पेड़ था, है वो भी नहीं रहा, बताओ अब है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पे तो मायके में ऐसा होता है ना, हर एक पेड़ की, हर खेत की, हर चीज़ की ना याद रहती है कि वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, है नहीं फूफू। हाँ, अरे मेरी फूफू ना, हम लोग रास्ते लगे हुए हैं, तो मैंने अभी ना मिलाया नहीं अभी अपनी फूफू से, बुआ से आपको। तो जब हम घर चल जाएंगे ना, बैठेंगे आराम से, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, तब मिलाऊँगी, क्योंकि अभी फूफू बोल भी जताएगी फूफू के सर में भारा है ना। और मेरी बहन भी लगी हुई है रास्ते आगे आगे, तो इससे भी बाद में मिलाएंगे। ये देखो उसे ना, यहाँ पे ये तिमलू का पेड़ है, जिसे ना अंजीर भी बोलते हैं शायद, तो अभी तो खैर इसमें है नहीं। और ना ये है तिमलू का पेड़, यहाँ पे मेरी बहन को याद आ गई कि ये पका रहता था, फिर हम इसे भी खाते थे स्कूल से आते जाते टाइम पे ना। हाँ, कितना छुपने लिया रून है ना। और ये है मेरे मायके की सार, और ना अब तो लोग करते भी नहीं है, यहाँ पूरा घास घास के लिए छोड़ा हुआ है, कोई खेती नहीं करता यहाँ पे। और जब हम रहते थे ना घर में, हम स्कूल पढ़ते थे, तो हम पूरे खेत करते थे। हाँ, ये देखो। तो ये देखो दोस्तों, घर दिखने लग गए हैं। सबसे पहला घर है ये है हमारे ताऊ जी का, जो कि घर नहीं रहते हैं, और घर की ना हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है, मतलब पूरा घर गिरने को हो गया है। ये देखो यहाँ से, ये देखो मायके के सारे घर, वो वाला घर भी बिल्कुल नीचे गिरने को हो गया है, ये वाला भी, सब ऐसे हो गए हैं। और यहाँ पर ना मायके में सिर्फ मेरे पापा, मेरी दादी और एक ताऊ जी, ताई जी और उनकी बेटी मेरी बहन, वही रहता है बस, बाकी कोई नहीं रहता यहाँ। इतने सारे घर हैं, कोई घर नहीं रहता। ये देखो क्या हालत हो रखी है, सब टूट गया। बस यहाँ पे रहते हैं ताऊ जी लोग और ताई जी, और बाकी यहाँ पे आ गए हम दादी और के घर, इतने मायके। दादी कौन लाएगी? ये देखो
यहाँ पे ना दादी की गाय है। दादी को पालते ही लाई हूँ क्या? ये तो है हमारा ना पुराना वाला घर है, और जब हम ना स्कूल पढ़ते थे, जब हम घर में रहते थे अपनी दादी के साथ में ना, तब हमारा ये पुराना वाला ही घर था। और शादी के टाइम पे तो खैर ये नया घर हमारा बन गया था, लेकिन जो ज़्यादातर हम ना इस वाले घर में रहे हैं, नए वाले घर में जब बन गया था तब हम ना गाँव में नहीं रहते थे, तो इस वाले घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो घर देख के ना काफ़ी खुशी हो रही है कि मतलब अपनी सारी यादें बचपन, मतलब जो दिन हमने यहाँ पे बचपन के बिताया ना, एकदम याद आ रहे हैं। और ये है नया वाला घर। देखो दादी, दादी खुश हो गई, दादी तो मेरी हाथ जोड़ रही है, हमने दादी को हाथ जोड़ने, दादी हमें हाथ जोड़ रही है। नमस्ते नमस्ते। दादी ऐसे खुश हो गई है। हाँ सब ठीक है ना। दादी ऐसे खुश हो गई कि जैसे कि दादी को पता नहीं क्या मिल गया होगा। तुम आते ही नहीं हो तो तभी तो बोल आते हैं। तुम्हारा दिन बोले तुम कभी नमस्ते और क्या नमस्ते करो भाई। दादी खुश हो गई है, दादी खुश हो गए ना, ये देखो इतनी खुश हो गई दादी। हम खूब खुश हो गए, मेरे नतने नतनी भी आ गई, बेटी भी आ गई, हम फूफू को भी ले आए। तो दोस्तों मायके में आके ना हम लोग बैठ गए हैं, यहाँ पे मेरी बहन भी, चलो हेलो हाय कर दो। ये पूरे रास्ते ना सब लोग चढ़ाई में लगे हुए थे, तो मैंने किसी से नहीं मिलाया, तो मेरी बहन से तो आप मिलते ही रहते हैं वीडियो में। और ये मेरी हम सकल है, और ये मेरी फूफू से भी मिलो, ये मेरी फूफू आई, और देखो सकल भी आती है हमारी फूफू की ना, है ना। तो ये मेरी बुआ जी है, सबसे बड़ी बड़ी बुआ है ना। और फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी, फिर आता है मेरे पापा का नंबर, और फिर मेरे चाचा जी है। आई देखो मेरी दादी बैठी है ना अभी, गर्म चलिए डाल दिया यहाँ पे ठंडा मजा है ना। बुआ कह रही है कि माजा हम ही लाए और हम ही पी रहे हैं। दादी ने भी कहा पीना था, पी ना रही है पापा ने ना सबसे पहले हमें जूस दिया और आधा गिलास हो गया, तब दादी को याद आया कि हमने आलू की पकौड़ी भी बना रखी है, तो अब आलू की पकौड़ी आ गई। देखो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। पापा ने बनाई बनाते हो खाना? हाँ तभी दोस्तों हमने ना ठंडा ठंडा माजा भी पी लिया है और पकौड़ियाँ भी खा ली है, और बाकी बुआ तो ना अंदर लग गई है दादी और पापा के साथ में, और मैं और मेरी बहन हम दोनों ना बाहर घूमने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि चल देखते हैं कि कैसा हो गया है क्या। तो ये देखो यहाँ पे ना पूरे मेरे घर के पास, मतलब हमारा घर है, और यहाँ देखो सारी खेतें ना ऐसी बंजरें छोड़ी हुई हैं, कुछ नहीं करता कोई यहाँ पर, और दादी भी नहीं कर पाती अब खेत तो सब छोड़ा हुआ है ऐसी। वैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत दादी ने अरबी लगा रखी है, और जब हम स्कूल पढ़ते थे ना तो हम पूरे यहाँ, ये सारे हमारे खेत हैं, तो हम सब यहाँ पे खेती करते थे। और ना मैं ना मायके ना एक बार मैं पहले आई थी, मैंने यहाँ पे ना वीडियो बनाई थी अपने पूरे नए वाले घर की भी, पुराने वाले घर की भी। तो लगभग ना मैं 2 साल में ना अब दोबारा आ रही हूँ यहाँ पे, मतलब यकीन भी नहीं हो रहा कि मतलब 2 साल में आ रही हूँ मैं यहाँ पे। एक बार मैं पहले आई थी यार, सर्दियों टाइम पर है, तो तब मेरे साथ ना मेरे हस्बैंड भी आए थे, और
अक्कू भी आई थी हमारे साथ में, और उस टाइम पे भी मैंने दादी से मिलवाया था, यहाँ पे घर की वीडियो बनाई थी। तो 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद ना दोबारा यहाँ पे आना हो रहा है, और किस रीज़न से आए हैं वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वाली वीडियो ना काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इसको तो मैं यहीं पर ही एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हम किस रीज़न से यहाँ पर आए हैं, क्या काम है। जैसे हमें अचानक आना पड़ा, मुझे, मेरी बहन और मेरी बुआ को भी, तो क्योंकि ना ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें आज यहाँ जाना है, अचानक से सुबह पापा का कॉल आया कि आना है आज, तो ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं अपने मायके वाले घर से, और मिलते हैं आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा सबसे मिल करके, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।